स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का आप ही के चैनल ड्रीम फैंटसी में। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड करूंगा कल का पहला वुमेंस बिग बैश में जो मैच है पर्थ स्कॉर्चर्स और ब्रिस्बेन हीट के बीच में। तो पहले दोस्तों मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर दोस्तों बास्केटबॉल टीम्स अवेलेबल हैं ड्रीम इलेवन के थ्रू। दोस्तों अभी तक फ्री ग्रैंड लीग चल रही है बास्केटबॉल में, जिसमें कि आप फ्रीली पार्टिसिपेट कर सकते हो लीग्स के अंदर, और हम हमेशा अपनी तरफ से एक अच्छी टीम आपको प्रोवाइड कर देते हैं। अभी तक दोस्तों बहुत से लोग जीत चुके हैं बास्केटबॉल इवेंट में हमारी टीम्स के थ्रू, और अगर आप भी हमारे चैनल के साथ जुड़ जाना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों एक लिंक प्रोवाइड है, आप उसके थ्रू हमारे चैनल में ज्वाइन कर सकते हो। अब बात करते हैं दोस्तों कल के मैच की। तो दोस्तों पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ ये भी कि जो ये मैच है दोस्तों वो सिडनी के ग्राउंड पर खेले जाने वाला है। कल भी दोस्तों जो दो मैच हुए थे वो सिडनी में खेले गए थे और दोनों ही हाई स्कोरिंग रहे थे। तो आपको मैं सजेस्ट यही करूँगा कि आप ओपनिंग बैट्समैन पिक करें, क्योंकि वो ज़्यादा स्कोर रन्स करेंगे जो कि आपके टीम में पॉइंट्स के लिए मैटर करेंगे। अब मैं आपको टीम शो कर देता हूँ दोस्तों। विकेट कीपर में दोस्तों हमने अब बेथ मूनी को पिक किया है, बहुत अच्छी चॉइस है बेथ मूनी। रिमेनिंग दो प्लेयर्स हैं दोस्तों, इनको तो आप शायद जानते भी नहीं होंगे, और वहीं बेथ मूनी ओपनिंग करेंगी ब्रिस्बेन के लिए। वहीं बैट्समैन में दोस्तों हमने चार बैट्समैन पिक किए हैं। सबसे पहले हमने एलिजा विलानी को पिक किया है जो अपनी ओपनिंग करती है पर्थ के लिए। दूसरे पे दोस्तों हमने निकोल बोल्टन को भी पिक किया है। निकोल बोल्टन भी दोस्तों बहुत अच्छी प्लेयर हैं जो कि एलिजा विलानी के साथ दिखेंगे आपको ओपनिंग करते हुए। और हमने यहाँ तीसरे पे दोस्तों किर्बी शॉर्ट को रखा है। शॉर्ट के दोस्तों आपको बता दें लास्ट सीज़न हमने इनका देखा तो इनके स्टैट्स दोस्तों बहुत अच्छे थे, ये भी ओपनिंग करती हैं टीम के लिए। और दोस्तों हमने यहाँ फोर्थ नंबर पर रखा है लोरा वॉलवर्ट को, जो कि शायद नंबर तीन पर खेलने आए साउथ अफ्रीका के लिए ओपनिंग करती हैं, ये भी दोस्तों बहुत अच्छी चॉइस है आपकी टीम में। आप चाहो तो दोस्तों जेंद्रा डॉटिन के साथ जा सकते हो, ये ऑलराउंडर है, ये बॉलिंग में भी कुछ ओवर्स कंप्लीट करेंगी, बट ये जो खेलने आएंगी दोस्तों वो चार या पाँच नंबर पर खेलने आएंगी, तो इसलिए हम इनको इंक्लूड नहीं कर रहे। इनकेस अगर आप चाहो तो आप किर्बी शॉर्ट या लोरा की जगह जेंद्रा डॉटिन को टीम में रख सकते हो। ऑलराउंडर्स की बात की जाए तो दोस्तों जेस जोनासन को हमने यहाँ पिक किया है। दोस्तों आपको बता दें कि जेस जोनासन दोस्तों नंबर तीन पर खेलने आती हैं और वहीं बॉलिंग में भी अपने चार ओवर्स कंप्लीट करती हैं। लास्ट ईयर की देखा जाए बात की जाए लास्ट ईयर की तो इनके दोस्तों स्टैट्स थे वो बहुत अच्छे थे, तो इसलिए हमने इनको इंक्लूड किया है। नटैली स्कीवर को भी आप जानते होंगे, नंबर चार पर खेलने आएंगी पर्थ के लिए और बॉलिंग में भी कुछ ओवर्स कंप्लीट करेंगी। कैथरीन ब्रंट भी दोस्तों नंबर पाँच पर खेलने आएंगी, वैसे ये पेस बॉलर हैं और बैटिंग में भी कुछ कंट्रीब्यूट कर देती हैं, तो ये भी आपके लिए एक अच्छी चॉइस है। आपको बता दें कि डेलिसा किमिंस भी दोस्तों बहुत अच्छी प्लेयर है, इनके भी हमने स्टैट्स चेक किए थे तो ये भी दोस्तों बहुत अच्छी रही थी, बट हम यहाँ तीन ऑलराउंडर के साथ ही जा सकते हैं तो इसलिए हमने यहाँ कैथरीन ब्रंट को पिक कर रखा है। इनकेस अगर आप कोई सब्स्टिट्यूट चाहते हो तो आप डेलिसा किमिंस को रख सकते हो अपनी टीम में। बॉलिंग की बात की जाए तो दोस्तों हमने हॉली फर्लिंग को इंक्लूड किया है, दूसरे पे क्लैरी को इंक्लूड किया है। क्लैरी भी दोस्तों बहुत अच्छी बॉलर है, इनके भी दोस्तों स्टैट्स बहुत अच्छे हैं अभी तक के। तीसरे पे दोस्तों हमारे पास बिल्कुल क्रेडिट्स नहीं थे तो इसलिए हमने सैमी जो जॉनसन को रखा है। दोस्तों इन्होंने भी लास्ट सीजन कुछ मैच खेले थे टीम के लिए, तो कल के लिए भी शायद ही अपनी टीम में आपको ज़रूर दिखे, तो इसलिए हमने सैमी को भी यहाँ टीम में पिक किया है। अब बात करते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन की, तो दोस्तों हमने यहाँ वाइस कैप्टन जेस जॉनसन को दिया है। आपको एक बार फिर से बता दूँ, वैसे ये बॉलर है जेस जॉनसन, बट बिग बैश में दोस्तों ये नंबर तीन पर खेलने आती है और अभी तक इन्होंने टीम में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट किया था लास्ट ईयर, तो इसलिए हमने इनको यहाँ वाइस कैप्टन दिया है। कैप्टन की बात की जाए तो दोस्तों एलिजा विलानी हमने कैप्टन दिया है क्योंकि ओपनिंग करेंगी टीम के लिए, और साथ ही साथ दोस्तों अभी इनकी लास्ट बात की जाए एशियज से तो अच्छा नहीं कर पा रही, बट फिर भी मेरे को लगता है कि विलानी आपकी टीम में इफेक्टफुल हो सकती है। इनकेस अगर आप कोई दूसरा ऑप्शन चाहते हो तो आप निकोल बोल्टन के साथ भी जा सकते हो। आपको एक बार फिर से मैं दोस्तों प्रीव्यू शो कर देता हूँ टीम का, तो दोस्तों आप टीम एक बार फिर से देख लो। और स्मॉल लीग्स में आपको फिर से मैं बता दूं कि आप पार्ट स्मॉल लीग्स में ज़्यादा लेना अगर आप अच्छा अर्न करना चाहो तो दोस्तों आपको मैं अगले वीडियो में मिलूँगा।